नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। पर्यावरण दिन के जो विधियां चल रही हैं अपनी, उसमें पर्चा प्रतिमान विधि के बारे में आज अपन समझेंगे क्या होती है, कैसे कार्य करती है। देखिए, आप समझिएगा, पर्चा प्रतिमान को देखकर हमें क्या आता है। सर्वप्रथम शिक्षक द्वारा शिक्षण करवाया जाता है। शिक्षण करवाते समय पूछताछ का उपयोग किया जाता है। पूछताछ का उपयोग करना ही पर्चा प्रतिमान विधि है। उपयोग करना, आप समझिए इस बात को। शिक्षक द्वारा शिक्षण करवाते समय पूछताछ का उपयोग करना, जैसे कि किसी कक्षा में शिक्षक शिक्षण करवा रहे हैं और फिर वो बीच में शिक्षण करवाते समय बीच बीच में विद्यार्थियों से प्रश्न पूछ रहे हैं, आप इसका उत्तर दीजिए, इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए। ऐसे विद्यार्थियों से पूछ रहे हैं, विद्यार्थी उन उत्तरों प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। इससे क्या, ये जो प्रक्रिया चल रही है प्रश्न पूछने की जवाब देने, इसे पर्चा प्रतिमान विधि कहते हैं। पूछताछ की विधि कहते हैं पर्चा प्रतिमान विधि। देखिए, आगे देखते हैं इससे क्या होता है। विद्यार्थी प्रश्न पूछता है और अध्यापक प्रश्न पूछता है, विद्यार्थी जवाब देता है, तो इससे विद्यार्थी का आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास बढ़ता है। भाई, अध्यापक ने प्रश्न पूछा, विद्यार्थी ने जवाब दिया, इससे विद्यार्थी का क्या हुआ, मनोबल बढ़ा, आत्मविश्वास बढ़ा। आगे देखिए भाई, इस विधि में क्या है। इस विधि का प्रारंभ प्रश्नोत्तर विधि से हुआ। किससे? प्रश्नोत्तर विधि से। और आप सभी को पता है प्रश्नोत्तर विधि किसने दी? सुकरात ने। प्रश्नोत्तर विधि भाई, इस विधि का प्रारंभ प्रश्नोत्तर विधि से हुआ। देखिए, इसमें प्रश्नोत्तर विधि में प्रश्न पूछा जाते हैं, उत्तर दिए जाते हैं, इसमें भी सेम यही होता है। इसलिए इस विधि का जो प्रारंभ है वो प्रश्नोत्तर विधि से माना जाता है। पहली बार अपने सुकरात महोदय को इस विधि का विचार आया। सुकरात महोदय को आया भाई। सर्वप्रथम जो प्रश्नोत्तर विधि है, इसका विचार किसको आया? सुकरात महोदय को। सुकरात महोदय ने क्या कहा? शिक्षार्थी शिक्षा अध्यापक शिक्षा ग्रहण करवाते समय जो विद्यार्थी हैं, अगर वो भाई अध्यापक जब शिक्षा ग्रहण करवा रहा है और अध्यापक प्रश्न पूछता है और विद्यार्थी उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जवाब देते हैं, तो ये जो प्रक्रिया चलती है इसमें विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। ये प्रश्नोत्तर विधि में क्या, सुकरात ने ये सब विचार दिए। कौन से विचार? भाई, शिक्षक जब शिक्षा ग्रहण करवा रहा है विद्यार्थियों को और बीच बीच में प्रश्न पूछ रहा है और उन प्रश्नों का उत्तर विद्यार्थी दे रहे हैं, तो इससे विद्यार्थियों का क्या होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। देखिए, शिक्षा के दौरान प्रश्न पूछते हैं और विद्यार्थी जवाब देते हैं, विद्यार्थी जवाब देते हैं। इससे क्या बढ़ा? विद्यार्थी का आत्मविश्वास बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। ये सभी विचार किसने दिए थे? प्रश्नोत्तर विधि में किसने दिए थे? सुकरात ने दिए थे। भाई, यहां तक अपन को समझ में आया? भाई, शिक्षक द्वारा शिक्षण करवाते समय जो पूछताछ की जाती है वही पर्चा प्रतिमान विधि है। इससे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ता है, जो ये प्रारंभ में इसे प्रश्नोत्तर विधि में से लिया गया है इस विधि को। और सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि दी तो उस दौरान क्या कहा कि भाई जब शिक्षक शिक्षा के दौरान प्रश्न पूछते हैं और विद्यार्थी उन प्रश्नों का जवाब देते हैं, इससे विद्यार्थी का आत्मविश्वास बढ़ता है। आप यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। पर्चा प्रतिमान विधि में जो प्रश्नोत्तर विधि से ये पर्चा प्रतिमान विधि ली गई है, प्रश्नोत्तर विधि सुकरात ने दी। हमने पढ़ा भाई, प्रश्नोत्तर विधि किसने दी?
सुकरात ने। तो प्रथम प्रतिमान विधि का विचार किसे आया भाई? सुकरात को जब प्रश्नोत्तर विधि का विचार आया तो प्रश्न प्रथम प्रतिमान विधि का विचार आया था। अमेरिकी विद्वान थे रिचर्ड सचमैन, अमेरिका के विद्वान थे रिचर्ड सचमैन। इन्हें प्रथम प्रतिमान विधि का विचार किसे आया? रिचर्ड सचमैन को। प्रथम प्रतिमान विधि का विचार किसे आया? रिचर्ड सचमैन को। अब भाई जब इनको ये विचार आया तो इन्होंने क्या कहा इन विचारों में, समझिए भाई। अध्यापन करवाते समय अध्यापक द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। समय अध्यापक द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है अध्यापक अध्यापन करवाते समय अध्यापक द्वारा जब प्रश्न पूछा जाता है, ये जो प्रक्रिया होती है प्रश्न पूछने की, इससे क्या होता है? विद्यार्थियों में प्रश्न पूछने का भाव डेवलप होता है, विचार डेवलप होता है। तो विद्यार्थियों में भी प्रश्न पूछने का विचार डेवलप होता है, इससे विद्यार्थियों में भी प्रश्न पूछने का भाव विकसित होता है। ये देखिए आप भाई, रिचर्ड सचमैन ने क्या कहा? ये कहा कि भाई अध्यापन करवाते समय अध्यापक द्वारा प्रश्न जो पूछा जाता है, वो प्रश्न पूछने की प्रक्रिया से क्या होता है? विद्यार्थियों में प्रश्न पूछने का भाव डेवलप होता है और विद्यार्थी भी फिर अध्यापक से उस सब्जेक्ट के समक्ष प्रश्न पूछते हैं। यहां तक समझ में आया भाई? आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं इसके गुण और दोष क्या हैं इस विधि के। भाई गुण और दोषों के बारे में समझते हैं। भाई गुण और दोष इस विधि के क्या हैं? नियमित रूप से विद्यार्थी अध्यापन करता है। भाई अगर अध्यापक प्रश्न पूछेगा तो विद्यार्थी क्या करेगा? नियमित रूप से अध्यापन करता है, नियमित रूप से अध्यापन करेगा। विद्यार्थी को डर रहेगा भाई अध्यापक प्रश्न पूछते हैं, इससे क्या होता है? विद्यार्थी नियमित रूप से अध्यापन करता है, नियमित रूप से विद्यार्थी अध्यापन करता है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है ये विधि, प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है। भाव प्रकट होते हैं इस विधि से, होते हैं। भाई इसका एक दोष भी है, वो दोष क्या है इस दोष को समझते हैं। भाई जो अपने कम बुद्धि लब्धि वाले विद्यार्थी होते हैं, जिसमें जिनमें कम क्षमता रहती है बुद्धि की, उन विद्यार्थियों के लिए ये विधि उपयोगी नहीं है। कम बुद्धि लब्धि वाले विद्यार्थियों के लिए कम बुद्धि लब्धि वाले विद्यार्थियों के लिए ये विधि उपयोगी नहीं है भाई। ये थी प्रथम प्रतिमान विधि। आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी। आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।